फ्रेंड्स, पराठे कई प्रकार के होते हैं। ये हमारे भोजन का मेन अंग होते हैं। सुबह या दोपहर या रात हम पराठों को कभी भी बनाकर आसानी से खा सकते हैं। अगर आप दोपहर और रात के भोजन के लिए वही नीरस रोटी या चपाती का खा खा के परेशान हो गए हैं, तो इस बार ये पराठा ज़रूर बनाइए। ये पिज्जा पराठा न केवल पराठे की एक लजीज रेसिपी है, बल्कि पूरी तरह से आपको वेज पिज्जा की लालसा को भी संतुष्ट करता है। पिज्जा पराठा की रेसिपी बहुत ही सरल होती है। फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से आपके पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। बनाते हैं पिज्जा पराठा। एक कप आटा लिया है। इस आटे में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो लगा लेंगे, जैसे हम रोटी का डो लगाते हैं। फ्रेंड्स, सॉफ्ट डो लगाना है, टाइट डो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। फ्रेंड्स, जब आटे को आप लगा रहे हो तो एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारी सारी सॉसेज में नमक होता है, तो आटे में नमक सॉसेज के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि अगर नमक आटे में ज़्यादा हो गया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नमक लगेगा खाते वक्त, इसलिए इस बात का आप मेनली ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा डो अच्छे से लग गया है और डो बिल्कुल सॉफ्ट है, हार्ड डो नहीं है। एक चम्मच ऑयल लेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे और इसको वापस से एक बार अच्छे से बाइंड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा डो लग गया है। फ्रेंड्स, अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पे रख देते हैं। इतने हमारा डो रेस्ट कर रहा है, इतने हम अपनी फिलिंग की तैयारी करते हैं। अब हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें मुश्किल से एक चम्मच भी नहीं डालना है, बहुत कम ऑयल डालेंगे। इस ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे, एक शिमला मिर्च ऐड करेंगे और एक गाजर को बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, बस हमें इतना ध्यान रखना है, हमें प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का सा सॉटी हो जाए बस। और 5 से 6 लहसुन की कलियों को क्रश करके इसमें ऐड करेंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास पनीर है तो आप पनीर को भी ऐड कर सकते हैं। हमारी सारी सब्जियाँ अच्छे से सोटी हो गई हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं, जैसे कि थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक, और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे और इसमें हम अब पिज्जा सीजलिंग अगर आपके पास है तो वो डालेंगे, और नहीं है तो इसके बाद हम पिज्जा सॉस इसमें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच पिज्जा सॉस लिया है, इसको ऐड करेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच ओरिगैनो ऐड करेंगे और इनको वापस से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, हमारे पिज्जा पराठे की फिलिंग बनके तैयार है। इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, फिर हम अपने पराठे को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने आटे को चेक करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा आटा अच्छे से हो गया है। अब हम इसको एक बार हाथ से अच्छे से गूंथ लेते हैं।
अब हम इसमें से जितना पराठे की लोई लेते हैं उससे ज़्यादा लोई लेनी है, क्योंकि पिज्जा पराठा ज़्यादा रोल नहीं करते हैं हम। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने एक पराठे के लिए लोई अच्छे से ले ली है। फ्रेंड्स अब हम अपने किचन काउंटर या चकले, जहाँ भी हम रोटी बेलते हैं, उस पर थोड़ा सा डस्ट स्प्रिंकल करेंगे और इस लोई को रखेंगे और इसको अच्छे से रोल करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने अच्छे से रोल कर लिया है। ने जो फिलिंग बना के रखी थी इसके बीच में वो फिलिंग ऐड करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने अच्छे से फिलिंग को ऐड कर दिया, उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद यहाँ मैंने कोटेज चीज लिया है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जितना आप फिलिंग वाला पराठा खाना चाहते हैं, जितना चीज़ी पराठा खाना चाहते हैं, उतना चीज़ आप इसमें ऐड कर दीजिए। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो हमें फोल्ड कैसे करना है, एक फोल्ड इधर से लेना है, उसके बाद एक फोल्ड इधर से लेना है, ठीक है, और इसको पूरा ऊपर तक कवर करना है। ये ऐसे हमें कवर कर देना है। तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमारा पिज्जा पराठा, और कवर करने के बाद इसको हमें वापस से नहीं रोल करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है ट्रायंगल में। थोड़ा सा भी रोल हमें नहीं करना है, नहीं तो हमारे इसके अंदर की जो फीलिंग है वो पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखिए। लीजिए हमारा एक पराठा बनके तैयार हो गया है। इसी प्रकार से हम दूसरे पराठे को भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमारा दूसरा पिज्जा पराठा बनके भी तैयार है। अब हम गैस पर चलते हैं और इनको सेकते हैं। फ्रेंड्स अब हम गैस पे एक तवा रखते हैं और तवे को गर्म होने देते हैं, और जैसे ही हमारा तवा गर्म हो जाए उस पर हम अपने पिज्जा पराठा को ऐड करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये पराठा एक साइड से अच्छे से सिक गया है। अब हम इसको पलट, इधर से भी इसको अच्छे से सेक लेंगे। अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे और इसको अच्छे से सेक लेंगे, जब तक ये पराठा क्रिस्पी नहीं हो जाता हमें इसे तब तक सेकना है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा पिज्जा पराठा उस साइड से अच्छे से सेक गया है। अब हम इसको पलट देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, इस पे अच्छे से कलर भी आ गया है, और इस साइड से भी हम अच्छे से घी लगा देंगे। इसको अच्छे से सीकने देंगे जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाता। देखिए हमारा पिज्जा पराठा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में भी कितना लाजवाब बना है, और खाने में तो कितना लाजवाब होगा आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। इसी प्रकार से हम अपने दूसरे पिज्जा पराठा को भी सेक लेंगे। फ्रेंड्स अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं। हम पिज्जा पराठा को दही और सेजवान चटनी के साथ सर्व करेंगे। सेजवान चटनी की रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड की हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, और बाद में पिज्जा पराठा को ऐड करेंगे। फ्रेंड्स ये लीजिए हमारा पिज्जा पराठा बनके तैयार है। आप इसे एक बार खा के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चे इन्हें बहुत ही आसानी से अपने स्कूल का लंच बॉक्स फिनिश करके आपके पास आएंगे, और आपका मन भी खुश हो जाएगा। आप इसे फैमिली में भी खिला सकते हैं। जब कभी पिज्जा ना मिल रहा हो आपके आसपास, तो ये पिज्जा पराठा बना के आप बच्चों को आसानी से दे सकते हैं। बच्चे क्या बड़े भी इसको बहुत ही पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो पर कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।